तो दोस्तों आपके साथ भी क्या ऐसा हो रहा है कि आप कुछ भी मैसेज व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे हो अपने फ्रेंड को या किसी को भी, तो आपके वहाँ पर मैसेज फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं, ओनली वहाँ पर सिर्फ आपको वॉच दिखाई दे रही है, ना आप वहाँ पर सिंगल क्लिक आ रहा है ना वहाँ पर डबल क्लिक आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, वीडियो एंड तक जरूर देख लेना, कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। बेसिकली दोस्तों ये सर्वर की प्रॉब्लम है और 9:30 और 9:30 बजे के बीच से ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उस टाइम तक मेरे पास सारे मैसेज आ रहे थे, लेकिन उसके बाद से अब तक जब भी मैं किसी को रिप्लाई कर रहा हूँ तो भाई किसी को कोई मैसेज नहीं जा रहा है। वो क्यों? वो सिर्फ सर्वर की वजह से है। और दूसरी बात यह है कि अभी 1 वीक पहले एक उसका व्हाट्सअप का एक अपडेट भी आया था। अपडेट में ये था कि आप अब अपने व्हाट्सअप को 4 जगह ओपन कर सकते हो, 4 मोबाइल के अंदर आप अपना व्हाट्सअप व्हाट्सअप वेब के थ्रू ओपन कर सकते हो, चाहे सिस्टम हो या चाहे मोबाइल हो। तो भाई ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है क्योंकि जब भी कुछ नई चीज़ अपडेट करते हैं तो इस वजह से सर्वर की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जब भी हम किसी मानने की बात हम किसी वेबसाइट पर कुछ अपडेट करना चाह रहे हैं तो भाई हमारी वेबसाइट में प्रॉब्लम आ जाती है, वेबसाइट ओपन नहीं होती। इसी तरह व्हाट्सअप का भी है, इसके अंदर अपडेट्स चल रही हैं, कुछ नया अपडेट करने वाले हैं, तो इस वजह से यहाँ पर सर्वर की प्रॉब्लम चल रही है। और मैं आपको बता दूँ कुछ टाइम पहले अभी आपने कुछ 1 या 2 महीने पहले व्हाट्सअप बैन होने की खबर भी सुनी होगी, कि सर्वर की प्रॉब्लम भी हो सकती है और व्हाट्सअप बैन होने की भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्या पता भाई हमारा व्हाट्सअप अब बैन हो जाए, मतलब अब ये प्ले स्टोर में हमें ना मिले और व्हाट्सअप हमारा ना चले अब, क्योंकि भाई कुछ भी काम होता है जब भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो हमें भाई एक दिन पहले नहीं पता चलता कि भाई नेक्स्ट डे हम ये अपडेट करने वाले हैं, मतलब कोई भी अपडेट आती है चाहे वो यूट्यूब की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, जब भी कोई अपडेट आती है तो भाई हमें नहीं पता चलता एक दिन पहले, हमें जब अपडेट हो जाती है वो तब वो चीज़ पता चलती है कि हम ये अपडेट हमने किया है। इसी तरह भाई व्हाट्सअप का भी है, तो अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि भाई ये व्हाट्सअप अपग्रेड करने की मतलब सर्वर की प्रॉब्लम है या फिर ये बैन हो रहा है व्हाट्सअप, ये उसकी प्रॉब्लम है। अब ये तो कल या परसों या अभी आपको कुछ घंटे में पता चल जाएगा जब हमारा व्हाट्सअप पे मैसेज आने जाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई क्योंकि कम्युनिकेशन का एक माध्यम है भाई व्हाट्सअप, अगर जो ये बैन हो जाए तो वैसे तो भाई बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आप टेलीग्राम पे बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, फेसबुक पर बात कर सकते हो, मतलब बहुत सारे मैसेंजर्स हैं जहाँ पर आप इजीली से 1-to-1 कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सअप एक इजी वे में एक इजी टू अंडरस्टैंडिंग था, मतलब इजी तरीका था एक कम्युनिकेशंस करने का, लेकिन अब अगर वो बैन हो जाएगा तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। वैसे तो भाई प्रॉब्लम कुछ टाइम के लिए ही आती है, लेकिन भाई प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही होती है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर होते हैं व्हाट्सअप के अंदर। अब भाई अब अचानक से वो चीज़ बैन हो जाए तो वो कैसे रिकवर करेंगे, वो तो रिकवर करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मेरे पास एक व्हाट्सअप और है जिसका नाम है GB व्हाट्सअप, ठीक है, वो इंडिया के अंदर ऑलरेडी बैन है, मतलब वो प्ले स्टोर पर नहीं है, मैंने उसको भी इंस्टॉल किया हुआ है, जब मैं वहाँ पर मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो भाई वो मैसेज वहाँ पर जा रहे हैं। तो जिन पे मतलब GB व्हाट्सअप है शायद वो इजी टू मतलब बात कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बैन है इंडिया के अंदर, मतलब प्ले स्टोर पर नहीं है, इस वजह से वो तो क्रैक किया हुआ वर्जन है। तो जिनके पास GB व्हाट्सअप है वो शायद इजी टू मतलब वो शायद कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं व्हाट्सअप के थ्रू। तो अगर आपके पास भी GB व्हाट्सअप है तो भाई शायद आप कम्युनिकेशन कर रहे होंगे एक दूसरे से, लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल व्हाट्सअप है लाइक मी, मतलब मेरे पास दोनों हैं, तो भाई मेरे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है सामने वाले को मैसेज सेंड करने में। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आई है तो भाई मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और जब ये सही हो जाएगा उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई अब ये सही हो गया, ये मतलब कोई बैन वाली खबर नहीं है, ये सिर्फ सर्वर की प्रॉब्लम थी, तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं बता दूँ बहुत जल्दी, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।